इस न्यूज के प्रायोजक हैं देव जनरल स्टोर एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड मुगेली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर छा गई। देश के लोग उनके मृत आत्मा की शांति के लिए जगह जगह श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुगेली के आगर साहित्य समिति के द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दिया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास जी टंडन व गोस्वामी तुलसीदास जी को भी पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में आगर साहित्य समिति के वरिष्ठ साहित्यकारों ने अपनी उपस्थिति देते देश को हुई बड़ी क्षति के लिए शोक व्यक्त किया। ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के धनी रहे जिन्होंने अपना जो मानदेय है 3.5 लाख रुपए जो मानदेय मिला उसमें से उन्होंने 2 लाख को सरकार को सौंप दिया और उनकी ये मान्यता थी स्वागत के लिए जहाँ भी जाते केवल एक फूल से स्वागत को चाहते थे। तो ऐसे महामहिम राज्यपाल के प्रति श्रद्धांजलि करते हैं और जो हमारा मुख्य कार्यक्रम था आज का महाकवि तुलसी जयंती उसको श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्पहार श्रद्धांजलि अर्पित करने पार नहीं ठानूंगा लिखता हूँ मिटाता हूँ लिखता हूँ मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। उन्हीं को एक हमारे छत्तीसगढ़ का जो जन्म देवैया है तो उन्हीं के पंक्ति अर्ज कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के जन्म देवैया कोटि कोटि प्रणाम चंद्र सूरज कर चमकत रह है जुग जुग तोरे नाम चंद सूरज का चमकत रहा है जुग जुग ले तोर नाम। आपके लिए सत्ता जोड़ तोड़ नहीं एक नियति था देश के लिए संकल्प सद्भावना की एक जमी था। हर घर हर द्वार हर सभा हर समाज में आपका चेहरा चुनाव के लिए आज भी जीवित है। राजनीतिक दल बदल रही संक्रमण काल में फिर भी आप खड़े रहे अटल विश्वास और एक देश की राह में। चाहे 13 दिन 13 माह या 5 साल हो अटल बना रहा देश और NDA के साथ में। अटल है और अटल रहेगा। हम रहे या ना रहे एक दिन वो कद वो चेहरा जरूर आकर रहेगा। उनका सपना जमी में आज भी जिंदा है को पूरा करने अटल हम सबका अटल के लिए अटल जरूर रहेगा बहुत ही दुखद इस स्थिति को देखते हुए हमारे आगर हिंदी साहित्य समिति ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी अटल बिहारी वाजपेयी जी को और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जयंती थी उसमें सभी एकत्रित होकर के और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए हमारे जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं बलराम दास टंडन जी उनको भी श्रद्धांजलि दिया गया आगर हिंदी साहित्य समिति के द्वारा।